सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आकर हमारे इस मीटिंग को कवर करने का कष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर एक विश्वास जताया है। मैं सबसे पहले अपने जेके ड्यूटी के हाई कमांड का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे विश्वास जताया है और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तन मन से, मैं अपनी यथाशक्ति से, जितनी भी मुझसे बन पाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने एससी मोर्चे को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करूंगा। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष आपको बता ही रहे थे कि वो इस बार हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एससी मोर्चा वो उनका एक मेन रोल होगा इस जीत में। मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे एससी मोर्चा की, मैं कहूँगा, फिर से जो है घोषणा हुई है। आदरणीय मेरे बड़े भाई देवराज जी जो पटियाली गांव के रहने वाले हैं, उनको पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नाते। मैं पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आज इनकी पूरी टीम के साथ बैठना हुआ और मैं देख रहा हूँ बहुत ही एक्टिव इनकी टीम है और पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास देवराज जी के ऊपर, इनकी पूरी टीम के ऊपर किया है, क्योंकि मैं कहूँगा कि एससी समाज की जो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार देवराज जी काम कर रहे हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पार्टी के विस्तार के लिए ऐसे काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। और इनकी बहुत ही बढ़िया टीम है, डॉक्टर गुदीप जी जो हमारे जिला के महामंत्री हैं, विनोद जी जो मैं कहूँगा कि बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, और पूरे जो हमारे जिला की जो पूरी टीम है और हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष इस कार्यक्रम में, इस बैठक में पहुंचे हैं। मैं इन सबसे यही बात कर रहा था कि मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से एससी समाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो बेनिफिट मिल रहे हैं हम लोगों को, उनकी जो नीतियाँ हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लोगों के बीच में जाकर लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने, जिस प्रकार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, तो मैं ये कहूँगा कि एससी समाज के जो लोग हैं, एससी समाज के लोगों ने मोदी जी पर 2014 से लेकर अभी तक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा विश्वास किया है, तो आने वाले समय में भी जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, तो उसके लिए एससी समाज के लोगों का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी की ओर से इनको दी गई है और पूरी लगन और मेहनत के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता एससी समाज में जाकर लोगों की बेहतरी और समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा, ऐसा।